एवरीवन, भाई स्वागत है रिजनाटी के व्लॉग में। और आज हस्बैंड जी भी बैठे हैं, साथ में गुड़िया भी है। अक्षित घर से फरार है, वो आया ही नहीं घर पे। तो आज हमें पता नहीं था, मैंने जो बोला था कि संडे को हम क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई करेंगे, तो हमें ये नहीं पता था कि हमें आज मतलब भाई फंक्शन में जाना है किसी पार्टी में, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। और पता नहीं था कि भाई जाना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहा था। और अभी वहीं पे जा रहे हैं हम, रेडी होके बस आपके क्वेश्चन आंसर का थोड़ा रिप्लाई कर दें जल्दी जल्दी फटाफट से। हस्बैंड भी कुछ करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत मैं रिप्लाई करूंगी। तो भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने बंदे चैनल पे नए बने हैं, जो लोग पहली बार व्लॉग देख रहे हैं, सबको दिल से नमस्ते, स्वागत मेरे व्लॉग में। सारे लोग नाम पूछते हैं हस्बैंड का, तो नाम बता दो। भाई नाम है मोनू, वैसे मनित के नाम से है मेरा, लेकिन गाँव में सब घर पे सब मोनू के नाम से बोलते हैं। और भाई जो भी नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, और भाई खूब प्यार दो। चलो जी, सबसे पहले हम सबसे पहले वाले व्लॉग का शुरू करते हैं। गुलाम रबीना जी ने कमेंट किया है, नाइस वीडियो, और आपकी फैमिली अच्छी है और आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आई लाइक योर वीडियो, आई एम फ्रॉम कराची सिटी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, सबसे पहले बहुत अच्छा कमेंट आया है, और इसीलिए हम मेहनत करते हैं ताकि लोग हमें देखें और लोग अच्छा बोले हमारे बारे में, फैमिली के बारे में। तो अपनी एक अच्छी छवि दिखा रहे हैं, अच्छा हम घर पे जो भी कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है वो सब आप कमेंट के जरिए हमें बताते हो, तो वो हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं वो चीजें, तो थैंक यू। राज कराना गुज्जर जी हैं, वो काफी कमेंट करते हैं, तो उनका जो है बहुत ही बहुत जो है धन्यवाद, काफी कमेंट आते हैं उनके ब्लॉग में, तो उनका जो है कई बार मैसेज कमेंट आया है। भाई जबरदस्त एक्टिंग, हस्बैंड जी को बोला बोलो तुम। भाई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गुज्जर जी को। अनिल वर्मा जी जो है काफी कमेंट करते हैं, और मुझे हमेशा ट्रोल करते हैं, मेरे को हमेशा मतलब बोलते हैं समझाने के लिए, और घी के बारे में काफी बोलते हैं अनिल वर्मा जी मेरे के, घी खा रहे हो घी खा रहे हो। मुझे घी खाना पसंद है, और खाना खाना भी काफी मेरे को अलग अलग वैरायटी काफी पसंद है, और घी इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बचपन से घी से जुड़े हुए हैं, कि भाई जब शुरुआत हम जब पैदा होते तो अपने ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहाँ पे सिर्फ घी दूध दही का खाना है, तो वो हम मरते दम तक नहीं छोड़ते। जो हम शुरुआत जैसे जहाँ जन्म लेते हैं जिस घर में जो हमारा खाना पीना रहता है, तो वो हमारे टच में रहता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो मोटे होने से कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मेहनत ज्यादा करती हूँ काम करने में। घी तो मैं टेस्ट के लिए खाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, और घी के बिना हमारी पूरी फैमिली घी खाती, मैं अकेली नहीं खाती, सब जने खाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कई बार मेरे को ट्रोल करते हो कमेंट करके, कोई बात नहीं। एक पापा के लिए कमेंट आया, क्या रवि यादव ने किया, भाई साहब डरना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ये बहुत कलेशी होती है। चलो जी, रवि यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, हस्बैंड जी के बारे में बहुत अच्छा बोला है। लेडीज वैसे होती कलेसी हैं, कई बार मैं इतना मतलब बहुत अपने आप को शरीफ समझती हूँ, पर फिर भी मैं हूँ कलेसी है, लेडीज कलेसी होती थोड़ी बहुत, बार बार में एक चीज को रिपीट करना, बार बार में आदमी को पिंच करना, वही चीज बोलना किसी चीज के लिए, अगर कोई चीज सामान भूल भी जाते हैं तो बार बार उनको ये दिलवाना कि तुमने कुछ गलती कर दी है, तुम ये सामान भूला है, अब क्या करूंगी, कैसे खाना बनाऊंगी, इस तरह से होता है, ये काफी बार होता है, कई बार ये गुस्से में मेरे को चाटा भी लगा देते हैं, तो कलेसी होती है लेडीज, ये सही बात कही इन्होंने। शेरू राठी जी का कमेंट आया, मैडम आप तो हरियाणा से लग रहे हो। हाँ जी, मैं हरियाणा रोहतक से हूँ, और काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता आप कहाँ से हो, हरियाणा रोहतक से हूँ, मैं रोहतक में भी रही हुई, पर बचपन में मैं रोहतक के पास गांव में रही हुई हूँ, तो वो मैं नाम आपको मेंशन नहीं कर रही हूँ। अंजू स्विच का, वेरी नाइस दी, आप मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आयुषी मिश्रा, वेरी नाइस, राम राम जी, राम राम जी सभी ने। गुज्जर का, राज कराना गुज्जर का भी कमेंट आया है, गलत बात, आपको डाइट पर रहना चाहिए, आपको ना पराठे वगैरह खाने चाहिए, और हमारे भाई जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वेट लॉस करवाएंगे, आपका वेट लॉस हो। थैंक यू कमेंट करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। पवन रविता का कमेंट आया है, पवन रविता का कमेंट है, भाई सही है, आप एक नंबर
बोलते हो, कल दोबारा से हील पहनकर वीडियो बनाना। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। सुमन खत्री ने कमेंट किया है, गांव में पहले ही औरतें ऐसी ही हील पहनती पहनकर पानी लेने जाती थी और गोबर डालने जाती थी। ये सब कमेंट करते हैं वो लोग पागल हैं, उनका कुछ कुछ नहीं हो सकता, उनको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल सही बात कही है भाभी जी आपने, सुमन खत्री ने, कि भाई गांव के बारे में जो आदमी गांव में रहा है उसको ही ज्यादा पता है, क्योंकि उसने गांव की लाइफ जी है, उसे ही पता है उसके बारे में। तो भाई अब आ जाओ, एक सी मोम एंड डॉटर ब्लॉग्स की तरफ से कमेंट आया है, सही बात है, आपने हरियाणा में तो बहू तैयार होकर ही काम करती है। बिल्कुल सही कहा आपने डियर, थैंक यू, थैंक यू जी, आपने कमेंट करके मेरे को थोड़ा हौसला दिया है। रेनू शर्मा आप सही कह रही हो, थैंक यू दीदी, थैंक यू डियर। ज्योति कादियान आपके काफी कमेंट आए हुए हैं, मैंने और भी वीडियो पे पढ़े हैं, आपकी बात सही है ज्योति कादियान जी। ज्योति कादियान ने मुझे ये बोला है कि मैं आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ, थैंक यू ज्योति कादियान जी। ठाकुर जी ने कहा है ये पब्लिक है कुछ भी बोलेगी, इग्नोर करो, आप अपनी वीडियो में एंजॉय करो। गीता ढाका जी का एक कमेंट है, क्वेश्चन है उनका मेरे लिए, उत्तराखंड में कहां में कैसे रहते हो आप, क्या आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं वहां, आप क्या खेत वहां, ये आप क्या कहते हैं, रिप्लाई प्लीज, आप इंट्रोडक्शन वीडियो बनाओ दीदी। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई हुई है, और आप दिवाली वाली भी देखोगे, मैंने पूरी फैमिली से मिलवाया हुआ है, एक मैंने काफी पहले बनाई थी रियल लाइफ स्टोरी, मैंने अपनी लाइफ की स्टोरी बताई थी, उसमें सब इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है, और एक और बना देंगे हम वीडियो जैसे कि अभी टाइम मिलेगा। जैसे ही मेरे हस्बैंड डेयरी का काम करते हैं, मैं सिर्फ घर में बच्चों को देखती हूँ और वीडियो बनाती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, तो यही मेरा काम है। और मैं उत्तराखंड में शादी हुई है मेरी, हरिद्वार के पास मैं रहती, हरिद्वार के पास ही हूँ, और शादी भी यहीं पे मेरी दिल्ली हुई थी, हम फिर गांव में शिफ्ट हो गए थे, और लड़की मैं हरियाणा रोहतक से हूँ भाई। मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते हैं, हमारा डेयरी का खुद का ही अपना डेयरी का काम है, डेयरी फार्म है, डेयरी बिजनेस है, वही दूध का काम अपना भाई यही करते हैं। लव फ्रॉम आयुष, आयुष मिश्रा, लव फ्रॉम अयोध्या, वेरी नाइस, थैंक यू जी। ज्योति यादव व्लॉग, ज्योति यादव भी बहुत काफी व्लॉग देखती है, बहुत बढ़िया व्लॉग दी उन्होंने बोला, थैंक यू, थैंक यू ज्योति यादव। वर्षा तोमर ने कहा है मेरे को एक में भाई के वेट लूज के लिए बोला है, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज करो, एक्सरसाइज करो, वेट कंट्रोल हो जाएगा। मैंने हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट जो है यूज किए थे एक बार, तो वो मेरे को साइड इफेक्ट हो गया था, उससे सूट नहीं किए थे, तो इसलिए मैं जिम करके ही अपना वेट लूज करूंगी और डाइटिंग करके। देसी फैमिली से काफी कमेंट आते हैं, देसी फैमिली चैनल से, और काफी अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आपका सिल्वर बटन कब आएगा दी, मुझे खुद नहीं पता कब आएगा, जब आएगा आ जाएगा, मेरा काम काम करने का है, मैं देखती नहीं उस चीज को भाई कब क्या होगा, जब भगवान चाहेंगे तब होगा सारा काम। घी से फैट नहीं बढ़ता, हाँ जी घी से फैट नहीं बढ़ता है, घी तो ताकत के लिए खाया जाता है, घी से फैट। हर्षिका पवार ने कहा है मोटी हो गई हो आप, हाँ जी मैं मोटी हो गई, पहले से मेरा कम से कम 8 या 10 किलो वेट बढ़ गया है। प्रकाश कुमार सोनी का कमेंट आया है, आपने अपने घर में सब कुछ तो दिखाया पर आपने अपने घर में पूजा रूम नहीं दिखाया, क्या आपने अभी अपने घर में पूजा रूम नहीं बनवाया है? भाई मैं इस बारे में कुछ बात नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई दिया हुआ इसका, और ये जो है बात, इस बात को शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आपने बताया मैं आर्य समाजी से हूँ और जो है पूजा पाठ नहीं करते मेरे ससुराल वाले, तो मैं इसका रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं शो नहीं कर सकती, बता नहीं सकती इसके बारे में, तो इसके लिए सॉरी। एच डी गुरु सचिन जो कि मेरी फ्रेंड है, नीलू, नीलू लाठर जी, उनका कमेंट आया है दी ब्यूटीफुल होम, आज तो घर का कोना कोना दिखा दिया, हाँ जी मैंने होम टूर में घर का कोना कोना दिखा दिया, आप देख लेना चाहिए। दीपशिका वर्मा ने कहा है दी बहुत प्यारा घर है आपका, आप कहाँ रहते हो? मैं हरिद्वार उत्तराखंड में रहती हूँ, और उत्तराखंड में हरिद्वार के पास एक गांव है, वहां पे रहती हूँ मैं, छोटे से गांव में,
और काफी अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट आप वीडियो में देखते भी हो गए, काफी अच्छा मतलब बाहर हरियाली है, खूब गांव का माहौल है, भैंस वैंस रख रखी अपना गांव का पूरा, मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जीत डायटर ने कहा है बहुत अच्छा लगा होम टूर भी, थैंक यू जी। अजीत जी आप काफी कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सागर कुमार नाइस ब्लॉग जी, थैंक यू। मंजीत कुमार जी थैंक यू, थैंक यू। अनिल वर्मा के तो काफी कमेंट आते हैं। एक गेमिंग चैनल है पता नहीं क्या है उसका, मेरे को नाम नहीं पता है, उसके ऊपर नोट लिखा हुआ है NOT नोट, तो उनका कमेंट है दी आपके हस्बैंड कितने बहन भाई हैं। मेरे हस्बैंड 3 भाई भाई हैं, बहन कोई नहीं इनकी, और 3 भाई भाई हैं जो कि एक तो हम यहीं पे रहते हैं, मेरी जो जेठानी गांव के अंदर रहती है, देवर जी मेरे दिल्ली में रहते हैं। तो भाई आज का ये व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि आज हमें थोड़ा जल्दी है और मुझे इतना ज्यादा अभी क्वेश्चन आंसर का जो है आपके रिप्लाई करना नहीं आता है, मुझे पता भी नहीं है भाई किस कमेंट का कैसे रिप्लाई करना है, ज्यादा कौन से कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए कौन से का नहीं, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी आपका क्वेश्चन हो तो व्लॉग में कमेंट करना, शॉर्ट वीडियो पे कमेंट नहीं पढ़ूंगी मैं, सिर्फ व्लॉग पे कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई करूंगी। और आज हमें लेट हो रहा है तो आज के इस व्लॉग का हम यहीं पे दी एंड करते हैं, तो सभी को दिल से धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसमें कमेंट करके भी बताना मैंने कुछ गलत कहा आपको, और हस्बैंड ने तो कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, इनको तो बहुत जल्दी लग रही है जाने की। तो भाई दिल से धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए, थैंक यू एवरीवन, बाय 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 बाय।